अच्छा जी, हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। ये एक छोटी सी एक प्रैक्टिस है जो हम आपको आज करवाएंगे, और इसमें होता ये है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है या दो पैराग्राफ दिए जाते हैं। ये पैराग्राफ असल में इक्तिबास होता है। इक्तिबास जो है वो जो हम वैसे करते हैं तो उसमें तीन इशारे दिए हुए होते हैं और अपनी राय आपने देनी होती है, लेकिन इस इक्तिबास में आपने अपनी राय नहीं देनी, इसको आपने खुलासे की सूरत में लिखना है। खुलासे की सूरत में लिखना आपके उसमें आता तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है कि जब आप दी हुई इबारत को अपने अल्फाज में समेट कर, फैली हुई बात को मुख्तसर करके अपने अल्फाज में समेट कर लिखने का हुनर जानते हैं, तो आप जो है वो किसी भी इबारत के बारे में रायजनी कर सकते हैं। तो उसी तरह की एक ये प्रैक्टिस है जो हम अभी करेंगे। इसका जो उन्वान है वो है बच्चों का अदब, हमारा दामन खाली है। ये इसका उन्वान है, और इसमें जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपने अभी पढ़ना है, और उसके बाद इसके कुछ इशारे हैं, उन इशारों को आपने देखना है, फिर उन इशारों की मदद से आपने इसका खुलासा लिखना है। असल खुलासा जो ये जो आप खुलासा लिखते हैं ये असल पैराग्राफ का 1/3 होता है, यानी अगर तीन पैराग्राफ दिए हुए हैं तो आपने उसका एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो यही चीज़ आपने जो है लिखनी है, और लिख कर मुझे फिर सेंड करनी है। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई बच्चा इसकी बुलंदखानी करे। जी कौन करेंगे बुलंदखानी? बिल्कुल चलिए, अब पढ़ना शुरू कीजिए शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकतबास नंबर 29, बच्चों का अदब, हमारा दामन आवाज से खाली। पढ़िए। अगरचे ये तय है कि हर चीज पर बुरा वक्त पड़ा है, बच्चों के अदब पर कुछ ज्यादा ही अफ्तात पड़ी है। इनकी किताबों से अब ना तो ना शुरू की को दिलचस्पी है, ना कुतुब फरोशों को, क्योंकि इस कारोबार में कोई बड़ा मुनाफा नहीं। अब रह गए उन किताबों के मुसन्निफ, तो अब अल्लामा इकबाल और डॉक्टर जाकिर हुसैन और शफीउद्दीन नय्यर तो दोबारा पैदा होने से रहे। ले देकर एक हकीम सईद थे, जिनके दम से बच्चों के लिए कुछ लिखने पढ़ने और सोचने की सबील खुली थी, वो गुजर गए। लाहौर और कराची के कई अशाअत घर और वो इदारे जिन्हें हम NGO कहते हैं, बच्चों की नहायत उम्दा किताबें शाये कर रहे हैं, मगर एक बड़ा मसला रसाई का है। ना बच्चों को इन किताबों तक रसाई है, और ना इन किताबों की अपनी नौउमर कारी तक रसाई है। इसमें आज के दौर के वालिदैन का नाम भी आता है। लोगों को किताबों से शगफ नहीं रहा, ना वो अपने लिए खरीदते हैं और ना अपने बच्चों के लिए। आइए आप देखिए कि हमें क्या करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान एक बड़ा इदारा खोले जो बच्चों की किताबें शाई करे। ये काम शुरू में हो जाता तो अच्छा था। अब बहुत देर हो गई है, वरना हिंदुस्तान में शहर दिल्ली की कल्ब में चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट कायम है, जिसका बहुत बड़ा दफ्तर और इतना ही बड़ा छापा खाना भी है। ये ट्रस्ट हिंदी और अंग्रेजी में नहीं, पूरी तीन दर्जन इलाकी जबानों में बच्चों की किताबें छापता है। मेरी राय यह है कि जो लोग और इदारे बच्चों की किताबें शाये कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, इनसे किताबें खरीद कर मुस्तहिक बच्चों को दी जाए। जिस तरह साल की सब अच्छी तसानीफ पर इनाम दिए जाते हैं, बच्चों के अदब पर भी इनाम दिए जाए, और नामोज लिखने वालों वालों के हौसले बढ़ाए जाएं। जिस तरह नामोर मुसन्निफों को सदारती अवार्ड दिए जाते हैं, बच्चों की अदीबों को इसी तरह के अनामात क्यों नहीं दिए जाते?
कुतुब फरोशों से भी कुछ इस तरह पेश आया जाए कि वो हंसी खुशी बच्चों की किताबें ऊपर की जो छती में नहीं बल्कि दुकान में नुमाया मुकाम पर रखा करें, उन्हें आमदा नुमाइश पर इनाम दिया जाए, बच्चों की किताबों के अलहदा मेले और बाजार लगाए जाएं जहाँ किताबें रियायती कीमत पर बेची जाएं, स्कूलों और मदरसों को समझाया जाए कि अपने यहाँ बच्चों की किताबें रखा करें और बच्चों में अवाइल उम्र ही से किताबों का शौक पैदा करें, वालदेन को ये एहसास दिलाया जाए कि वो अपने बच्चों को किताबें दिलवाएं और पढ़वाएं, और वो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन्हें और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन्हें ये किताबें पढ़कर सुनाई जाएं। आखिर में यही कहूँगा और हाथ फैलाकर कहूँगा कि जो करे इसका भला और जो ना करे उसके बारे में गर्ज करूँ, आप खुद ही समझदार हैं। माखूज अज रजा अली आबदी जाने पहचाने। अच्छा ठीक है जी, तमाम बच्चों ने सुन लिया होगा। ये तीन से चार पैराग्राफ हैं जो अभी सलाह ने जिसकी बुलंदफानी की है। अब देखें इसमें जो आपको इशारे दिए हुए ना, आप हर इशारे को लेके दो से तीन लाइनें आप बनाएंगे और फिर आपका खुलासा बन जाएगा। हम आते हैं पहले इशारे की तरफ। पहला इशारा क्या है, बच्चों के अदब के बारे में पहला तासुर क्या मिलता है। अब हम पहला पैराग्राफ अगर पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा बच्चों के अदब के बारे में क्या पहला तासुर मिलता है। पहला तासुर हमें यह मिलता है कि अब ना तो नाशिरों को दिलचस्पी है। नाशिर किसे कहते हैं, जो कि किताबों को तरतीब देते हैं और उसको छापते हैं, और ना ही कुतुब फरोशों को। कुतुब फरोश कहते हैं जो किताबें बेचते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं किताबें अलग जगह पर छपती हैं और किताबें फरोख्त दुकानों पर होती हैं। तो ना तो छापने वालों को दिलचस्पी है ना ही फरोख्त करने वालों को। और दूसरा ये कि बच्चे अगर कहीं कुछ लिखते हैं तो उसमें मुनाफे का भी कोई अंसर नहीं है, क्योंकि बच्चों की तहरीरें कौन पढ़ेगा। हालांकि बच्चों के लिखने के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। बच्चे अगर छोटेपन से ही लिखना सीख जाएँ, अपने ख्यालात का इजहार करना सीख जाएँ, तो वो आगे चलकर बड़े बेहतरीन अंदाज में न सिर्फ ये कि मुसन्निफ बन सकते हैं, न सिर्फ ये कि शायर बन सकते हैं, न सिर्फ ये कि वो किसी भी एतबार से कलमदान बन सकते हैं, बल्कि वो मुआशरे में हर 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 तबके की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि बच्चों का अदब जो है, जिसका उन्वान ये रखा गया कि हमारा दामन खाली है, मौजूदा दौर में इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में इंटरनेट और मोबाइल्स और इस मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोगों ने बच्चों के लिखे हुए जो इस अदब को उसको उभारना ही छोड़ दिया है। तो ये एक आम तासुर है जिस पर आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपने मुख्तसरन लिखना है। अब आइए दूसरे इशारे की तरफ। दूसरा इशारा क्या है, माजी और हाल की इशाअतों का मवाजना। माजी और हाल की इशाअतों का मवाजना कैसे पता चलता है हमें, अब हम आते हैं जरा जो इसके बारे में मालूमात दी गई है। माजी की जो इशाअतें थी ये इसमें दूसरे पैराग्राफ में जो लिखा गया है, लाहौर और कराची के कई इशाअतगर वो इदारे जिन्हें हम NGO कहते हैं बच्चों की नहायत उम्दा किताबें शाया कर रहे हैं, मगर एक बड़ा मसला रसाई का है, ना बच्चों को इन किताबों तक रसाई है और ना इन किताबों की अपने नौ उम्र कारी तक रसाई है। ये सारी की सारी आज के दौर की बातें वो कर रहे हैं, इसमें आज के दौर के वालदेन का नाम भी आता है। अच्छा दूसरी बात ये है, अब माजी की बातें, माजी में जो काम हुआ उस पर वो कुछ मुसन्निफ इस अंदाज से कह रहे हैं कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान कोई एक बड़ा इदारा खोले, ये काम शुरू में हो जाता तो अच्छा था, अब बहुत देर हो गई है, लेकिन खैर इतनी देर भी नहीं हुई कि इसमें ये काम नामुमकिन हो। ये काम अगर इंसान चाहे तो मुमकिन बनाया जा सकता है। तो इसमें मुसन्निफ ने थोड़ा सा इशारा दिया है कि माजी में ऐसी किताबें शाया होती थी और ये काम पहले हो जाना चाहिए था, और फिर इससे पिछले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि पहले जो थे वो अल्लामा इकबाल, शफीउद्दीन नैयर
और दीगर कुछ लोग थे जो कि बच्चों के अदब को मोटिवेट करके उन्हें आगे पेश करते थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। अब जब वो नहीं रहे तो ये काम कौन करेगा? ले देकर हमारे पास ये कोई 15-20 साल पहले एक मुसन्निफ थे, हकीम सईद, और वो बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है ना बच्चों के लिखने को पेश करते थे। लेकिन अब अफसोस के हकीम सईद भी हम में नहीं रहे। उन्होंने बच्चों के अदब को बहुत उभार के पेश किया था। तो हकीम सईद के बाद अब हमारे पास कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा बड़ा मुसन्निफ बचता नहीं है जो बाकायदा बच्चों के अदब को प्रमोट करे इस तरह से। मुझे याद है कि हमारे ज़माने में अखबार जहां और संडे मैगजीन के अंदर जो बच्चों का एक सफ़ा आता था, वो अब इतना ज़्यादा लोग उसको देखते भी नहीं हैं और वो आना भी तकरीबन बंद हो गया है। और मुख्तलिफ अखबारात में बच्चों का एक सफ़ा होता था जिसमें सारी की सारी तहरीरें बच्चों की लिखी हुई शाया की जाती थी, और उसमें लतीफ़े होते थे, कहानियाँ होती थी, चुटकले होते थे, और बच्चों के अपने अपने अंदाज में जो है ना वो बैतबाजी के मुकाबले होते थे, उनकी नज़में होती थी, उनके अशआर होते थे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उनमें। लेकिन बहरहाल अब वो चीज़ें चूंकि नहीं रहीं, इसी वजह से शायर ने कहा कि हमारा दामन जो है ना वो बच्चों के अदब से खाली होता जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा इशारा आपका मुकम्मल होता है कि माजी और हाल की इशारतों का मवाजना जो है वही है। अच्छा, तीसरा इशारा है इस्लामाबाद में क्या काम हो रहा है, जरा हम इशारे को देखते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, अलबत्ता आप बाकायदा इसको इस्लामाबाद से मंसूब करने के बजाय हम इस इशारे को यूँ ले लेते हैं कि मौजूदा दौर में इसकी अफजाइश के लिए क्या काम हो रहा है। तो ये इशारा मैंने थोड़ा सा तब्दील किया है, मौजूदा दौर में क्या काम हो रहा है और उसमें क्या जो है वो तब्दीली होनी चाहिए। तो इसमें जो है वो ये जो लिखा गया है कि बच्चों की राय के लिए हमारे यहाँ बास इदारे हैं ऐसे जो कि बच्चों की राय को प्रमोट करते हैं, लेकिन बहुत कम हैं ऐसे। जैसे नौनिहाल रिसाला छापने वाले हैं, नौनिहाल रिसाला जो आपने शायद देखा हो, तो उसमें बच्चों की तहरीरें आती हैं और वो अच्छे अंदाज में पेश भी की जाती हैं। ऐसे ही एक रिसाला आता है साथी, वो भी छापा जाता है और पहुँचाया जाता है। तो ऐसे कुछ इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, अलबत्ता इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो आखिरी जो इशारा है हमारा, वालिदैन स्कूल और मुआशरे और दीगर तबक़ात की जिम्मेदारियाँ, इसके लिए उन्होंने कुछ तजावीज़ पेश की हैं। वो तजावीज़ क्या हैं? मसलन वो तजावीज़ ये हैं कि आखिरी पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं तो वो ये है कि कुतुब फरोशों को चाहिए कि वो हंसी खुशी बच्चों की किताबें ऊपर की दो छती में नहीं बल्कि दुकान में नुमाया मकाम पर रखा करें। यानी वो बच्चों की जो लिखी हुई तहरीरें हैं ना, तो दुकानदार को चूंकि मुनाफा नहीं होता, इसलिए वो ऐसी बच्चों की लिखी हुई किताबों को बस साइड में रख देते हैं। उन्हें चाहिए कि वो बिल्कुल नुमाया जगह पर रखें, ताकि बाहर अगर जो गाहक या जो खरीदने वाले लोग आते हैं उनकी नज़र बराह रास्त उस पर पड़े और वो उसको ख़रीद लें। जब जाहिर है कि लोग ख़रीदेंगे तो वो उसकी उसको तरक्की होगी, उसकी तरवीज होगी, और जब तरवीज होगी तो वो बच्चों की जो तहरीरें हैं वो आम लोगों तक पहुंच सकेंगी। दूसरा काम ये होना चाहिए कि वालिदैन को भी उन्होंने तजवीज़ दी है, वालिदैन को भी एहसास दिलाया जाए कि वो अपने बच्चों को किताबें दिलवाएं और पढ़वाएं, और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं तो इन्हें ये किताबें पढ़कर सुनाई जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने बचपन से ही, यानी यूँ समझ लीजिए कि क्लास 1 और 2 से ही उन्होंने पढ़ना लिखना उर्दू सीख लिया था और उनको किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई थी, उनकी उर्दू बड़ी बेहतरीन होती है। उनका उर्दू का इमला, उर्दू का खत, उर्दू की तहरीर, हर चीज़ बड़ी बेहतरीन होती है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये शौक होता है कि उनको जो है वो किताबों में जो मज़ा आता है वो स्क्रीन पे मज़ा नहीं आता। और ये एक ऐसा लुत्फ है कि जब ये इंसान को आ जाए एक मर्तबा,
तो उसको हकीकतन फिर वो चीज़ें जो स्क्रीन पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मज़ा नहीं आता, लिखी हुई तहरीरों में जो उसको मज़ा आ रहा होता है। और ये भी एक 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 बहुत ज़बरदस्त नज़रिया है कि कभी कभी लिखने वाले के कलम में वो बात होती है जिसको आप स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, क्योंकि लिखने वाले के कलम में जो अल्फाज जब वो शामिल करता है तो उसको अपने उसमें अपने ऐसे जज्बात शामिल करता है कि वो स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाज़ लोगों को जो अफसाना निगार हैं वो मूवीज़ या जो वीडियो क्लिप्स या ये जो दूसरी जो मीडिया के ज़रिए से इंटरटेनमेंट मुहैया की जाती है वो उसको इतना पसंद नहीं करते जितना लिखी हुई तहरीरों को पसंद करते हैं। हत्ता कि जब वो उस किताबों के मुताले में मसरूफ़ होते हैं तो वो अपने आप को उसमें बिल्कुल गर्क कर लेते हैं, इर्द गिर्द से कतई बेनियाज हो जाते हैं। तो ये उन्होंने एक अपना एक तासुर पेश किया है कि वालिदैन को ये एहसास दिलाया जाए कि वो अपने बच्चों को न सिर्फ ये कि किताबें पढ़वाएं बल्कि उन अगर वो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाए कि उनके सामने वो किताबें पढ़ी जाएँ और वो उनको सुने। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसमें इसमें उनके अपने अंदर एक शौक़ पैदा होगा, एक रुझान पैदा होगा। बस ये जो रुझान और शौक़ पैदा हो गया और दिलचस्पी पैदा हो गई तो यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। वो बच्चा फिर ख़ुद एक्सप्लोर करेगा, ख़ुद नई नई तहरीरों को नई नई चीज़ों को पढ़ेगा और कहीं पर फिर वो किसी पॉइंट पर आकर कोशिश करेगा कि मैं भी लिखूँ, और जब वो लिखेगा तो यकीनन ये एक मुस्बत कदम होगा, उसकी शख्सियत में एक नुमाया तब्दीली पैदा होगी, उसको सोचने समझने और अपनी अपने जज्बात व एहसासात को वर्ताए तहरीर में लाने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने अब ये करना है कि ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ के अभी बुलंदखानी करवाई है, आपने इसको दोबारा एक मरतबा पढ़ना है। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पढ़ने के बाद आपने इशारों को देखना है, इशारे आपके सामने हैं, बच्चों के अदब के बारे में तासुर, माजी और हाल की इशारों का मवाजना और इस्लामाबाद में क्या काम हो रहा है, इसके ये इशारा मैंने तब्दील किया था कि मौजूदा दौर में तरक्की का क्या काम हो रहा है, वालिदैन स्कूलों और मुआशरे के दीगर तबकात की जिम्मेदारी, ये हमने आखिरी पैराग्राफ में आपको कुछ इशारे दिए। आपने इसको लेकर कॉपी में पेस्ट करना है, फिर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, आपने ऐसे ही तलखीस निगारी का जो आपने हेडिंग डालनी है। मैंने इसमें कुछ इशारे लिख रहा था, पहला इशारा तो ये होगा कि खुलासा जो है वह असल इबारत का एक तिहाई हिस्सा होता है और इसमें और किसी बात को नकल नहीं किया जाता, यानी पूरा पूरा पैराग्राफ आपने अगर नकल करके लिख दिया तो वो ठीक नहीं है। फैली हुई बात को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में लिखा जाता है। ये तीन इशारे हैं जो मैंने इसमें मज़ीद लिखे हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने तलखीस निगारी की हेडिंग डालकर उन पांच इशारों की मदद से, ये चार इशारों की मदद से आपने खुलासा लिखना है और वो खुलासा जो है वो आपने लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है या आपने गूगल क्लासरूम में जमा कराना है। मैं उम्मीद करता हूं तमाम बच्चों से कि आप लोगों ने आज की क्लास में जो कुछ पढ़ा उसको आप बेहतर अंदाज में लिख सकेंगे। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास का टाइम खत्म होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।